हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीट्यूड करके। आज अपने पास मारुति ब्रेजा, इसमें एबीएस की लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। कार स्टार्ट होने के बाद भी कस्टमर की यही कंप्लेन है कि इसमें एबीएस की लाइट दो तीन दिन से ऑन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने अपना स्कैनर लगाया, कार रीडर 7, और एबीएस स्कैन किया कि एबीएस में क्या कोड है। तो स्कैन करने के बाद हम लोगों को रीड फॉल्ट कोड कर रहा, तो हम लोग पता चला कि इसमें ये कोड है C1035 लेफ्ट रियर व्हील, यानी पीछे का लेफ्ट साइड के टायर के सेंसर में या उसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है उसकी वोल्टेज में। तो हम लोगों ने तब कोड क्लियर किया, ये कोड क्लियर नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने पीछे की डायरेक्ट फॉल्ट देखा, पीछे कवर हटा के, तो हम लोगों को पहला पैनल हटाते ही फॉल्ट मिल गया। ये देख सकते हैं इसकी वायरिंग पूरी उन्होंने काट दी है। तो वायरिंग हम लोगों ने रिपेयर की, कलर टू कलर कोड मैच करा, और उसके बाद वायरिंग रिपेयर करी। ये देख सकते हैं आप, वायरिंग बिल्कुल लोग रिपेयर कर दी है। अब इसका मैं ये कवर लगाता हूँ। वायरिंग हम लोगों ने जैसे ही पहला इसका पैनल खोला, तो हम लोगों को जब ही ये वायरिंग इसकी कटी हुई मिल गई, और इसकी डिग्गी भी ओपन नहीं हो रही थी, उसके डिग्गी के भी वायर कटे हुए थे। तो ये हम लोगों ने इसे कवर को फिटिंग किया और कलर बाई कलर मैच करके इसका हम लोगों ने वायरिंग रिपेयर की। अब कलर बाई कलर मैच करके इसका हम लोग अभी ये कवर लगा रहे हैं। अब ये कवर लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसकी एबीएस की लाइट अपने आप जा रही है या नहीं जा रही है। ये देख सकते हैं कवर मैंने फिट कर दिया। अब देखते हैं इसकी एबीएस की लाइट अपने आप जा रही है बिना कोड क्लियर करे या नहीं जा रही है। चाबी से ऑन किया, ये गाड़ी में बैठ के चाबी से ऑन किया, ये इग्निशन ऑन होने के बाद ये देख सकते हैं लाइट अपने आप जा चुकी है। एक बार कोड भी चेक कर लेते हैं कि क्या कोड है। ये देख सकते हैं कोड जो था ये अब हिस्ट्री में आ चुका है। अब इस कोड को हम लोग क्लियर कर देते हैं। कोड क्लियर करने के बाद कार स्टार्ट करके चेक करते हैं कि लाइट वगैरह तो नहीं आ रही है। कार स्टार्ट करिए, कोई लाइट नहीं है। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।